हरियाणा की 11 वीआईपी सीटों से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, किस सीट से किन नेताओं का नाम पैनल में। जी हां, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसी के मुताबिक आपके सामने ये जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आपसे आग्रह कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए। आपको बता देते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के चयन को लेकर निरंतर बैठकें हो रही है। काफ़ी कुछ सीटों पर पेच फंसा है, कुछ जातीय समीकरण उलझे हुए हैं, तो कई सीटों पर नए चेहरों पर भी कांग्रेस पार्टी दाव खेलने जा रही है। हम आपको 11 ऐसी वीआईपी सीटें लेकर आए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पैनल में जो नाम आए हैं उससे आप हैरत में पड़ सकते हैं। चुकाने वाले प्रत्याशियों के नाम यहाँ पर आ सकते हैं। तो देर न करते हुए सबसे पहले हम सीट लेकर आए हैं राई विधानसभा सीट की। राई से कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां से पूर्व विधायक जय तीरथ दहिया का नाम इस वक्त नंबर वन पोजीशन पर है। आपको पता है कि जय तीरथ दहिया का अच्छा खासा प्रभाव राई विधानसभा सीट में देखने को मिला है। हालांकि ये वीआईपी सीट इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो है मोहनलाल बड़ोली, उनका भी ये गृह विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय तीरथ दहिया के बाद दूसरा जो प्रत्याशियों के पैनल में जो नाम रखा है उसमें एडवोकेट मुकेश आंतिल का नाम भी शामिल है, जो शैलजा गुट से ताल्लुक रखते हैं। शैलजा इनके काम से प्रभावित है, जो भी जिम्मेवारी इनको दी है उन्होंने बखूबी निभाई है। तो एडवोकेट मुकेश आंतिल शैलजा गुट की तरफ से इनका नाम भी शामिल है। राय से जय तीरथ दहिया और एडवोकेट मुकेश आंतिल में से किसी एक नेता को टिकट दी जा सकती है। अगली विधानसभा सीट आदमपुर है। लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी की जीत दर्ज हुई, तो कांग्रेस को आस है कि विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे। इस सीट पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के पैनल में तीन नाम रखे हुए हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नंबर वन पोजीशन पर प्रदीप बैणीवाल का नाम है। कांग्रेस चाहती है कि बिश्नोई वोट बैंक को डिवाइड करके प्रदीप बैणीवाल के जरिए आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के परिवार को टक्कर दी जा सकती है। जाट चेहरे के तौर पर यहां पर आशीष गोदारा उर्फ कुक्की का नाम शामिल है। आपको बता दें कि ये इस वक्त जिला पार्षद भी है और बाड़समंद बेल्ट पर अपना प्रभाव ये दिखाते हैं। तीसरा नाम है दलित चेहरे हैं और शैलजा के खासम खास में इनकी भी गिनती होती है, उनका नाम है सुरेश सरपंच मातरश्याम। कहीं ना कहीं आदमपुर में सुरेश सरपंच मातरश्याम को प्रत्याशी बनाने के लिए शैलजा कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। अगली वीआईपी सीट है नारनौंद। नारनौंद वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जहाँ उड्डा गुट जस्सी पेटवाड़ का नाम आगे करता हुआ नजर आ रहा है, तो शैलजा ने भरी सभा में ही डॉक्टर अजय चौधरी के नाम का ऐलान ही इशारों में कर दिया। तो कहीं ना कहीं नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय चौधरी में से किसी एक नेता को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। आसी की बात करते हैं। आसी में अब की बार प्रत्याशियों की लाइन ही कांग्रेस पार्टी में लगी हुई है। पैनल में काफ़ी नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन टॉप फोर नाम आपके सामने हम बताएं तो यहाँ आसी से अतर सिंह सैनी नंबर वन पोजीशन पर है, जो कि शैलजा गुट से आते हैं। राहुल मक्कड़ का नाम भी शामिल है जो उड्डा गुट से हैं। सुमन शर्मा का नाम भी है जो उड्डा गुट से हैं, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। नरेश यादव का नाम भी शामिल है। तो इन टॉप चार पैनल में इन नेताओं का आसी विधानसभा सीट को लेकर नाम है। अगली सीट की यदि हम बात करें, पटौदी विधानसभा सीट है। पटौदी सीट कांग्रेस के लिए अब की बार बहुत खास है। यदि प्रत्याशियों के पैनल की बात करें तो नंबर वन पोजीशन पर सुधीर कुमार का नाम शामिल है और शैलजा गुट की तरफ से नंबर दो पोजीशन पर निशा सिंह पटौदी है। शैलजा की खासम खास में इनकी गिनती होती है। महिला कोटे से पटौदी सीट से कांग्रेस पार्टी निशा सिंह को प्रत्याशी बना सकती है, हालांकि पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार का भी यहाँ पर पलड़ा भारी है। अगली विधानसभा सीट है बरोदा। बरोदा से वर्तमान विधायक इंदुराज बालू की टिकट कटना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऑप्शन के तौर पर जीता उड्डा का नाम शामिल है, क्योंकि इनके पिताजी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और जीता उड्डा चाहते हैं भी कि किसी भी तरीके से उन्हें टिकट मिल जाए।
तो कहीं ना कहीं दोनों उड्डा गुट से ही इंदुराज भालू व जीता उड्डा ताल्लुक रखते हैं, लेकिन नंबर वन पोजीशन पर इंदुराज भालू है तो ऑप्शन के तौर पर जीता हुड्डा का नाम भी शामिल है। उकलाना विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त पैनल में सिर्फ दो ही नाम है, जिसमें उड्डा गुट की तरफ से नरेश सेलवाल का नाम है, तो कहीं ना कहीं नंबर दो ऑप्शन के तौर पर बिरजलाल भैबलपुरिया का नाम भी शामिल है। अभी तक पैनल में केवल दो ही नाम अवस्थित किए गए हैं। बिरजलाल भैबलपुरिया कहीं ना कहीं जो शैलजा गुट के अंतर्गत नाम है, हालांकि उकलाना विधानसभा सीट शैलजा का गृह क्षेत्र माना जाता है और शैलजा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, हालांकि उन्होंने विधानसभा सीट के नाम का ऐलान तो नहीं किया। अगली सीट है नलवा। नलवा विधानसभा सीट कांग्रेस के दृष्टिकोण से बहुत खास है। नंबर वन पोजीशन पर टिकट के सबसे मजबूत दावेदारों में पैनलों में सबसे नंबर वन एक पर रखा है चंद्र प्रकाश जांगड़ा का, जो कि पूर्व में आईएएस रह चुके हैं। उनका पड़ा सबसे ज्यादा भारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी उन पर करते हैं। और नंबर दो ऑप्शन के तौर पर कहीं ना कहीं संपत सिंह भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजकल वे शैलजा गुट में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसलिए संपत सिंह का नाम भी नंबर दो पोजीशन पर रखा है और नंबर तीन पोजीशन पर अनिल मान का नाम भी है। तो कहीं ना कहीं नंबर वन पोजीशन के तौर पर चंद्र प्रकाश जांगड़ा है और विकल्प के तौर पर संपत सिंह के बाद अनिल मान है। अगली विधानसभा सीट कलायत है। कलायत से जयप्रकाश उर्फ जेपी के लड़के विकास सहारण यहाँ पर मजबूत दावा ठोक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि टिकट तो मिलनी ही मिलनी है, साथ भी जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर इस वक्त सविता ढोल का नाम भी शामिल है, जो कि रणदीप सुरजेवाला के खेमे से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने अपने प्रोग्राम व युवाओं के लिए जो रोजगारों से संबंधित एचपीएससी की भर्ती हो एचएससी की भर्ती हो इन्होंने काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठाई है, तो कहीं ना कहीं सविता ढुल भी विकल्प के तौर पर है। हालांकि नंबर वन पोजीशन पर रखा गया है विकास सारण को, जो कि जयप्रकाश उर्फ जेपी जो सांसद है उनके बेटे हैं। अगली विधानसभा सीट फतेहाबाद है। फतेहाबाद से नंबर वन पोजीशन पर शैलजा कोटे से बलवान दौलतपुरिया का नाम शामिल है और नंबर टू पोजीशन पर इस वक्त वीरेंद्र शिवाच का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि इन दो नामों में से किसी एक नाम पर हाईकमान मोहर मार सकता है, हालांकि पहले नंबर पर बलवान दौलतपुरिया है तो विकल्प के तौर पर वीरेंद्र शिवाच का नाम भी शामिल है। अगली सीट गनौर विधानसभा सीट है। गनौर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी में पैनल के तौर पर दो नेताओं का नाम शामिल है। नंबर वन पोजीशन पर कुलदीप शर्मा का नाम शामिल है। कुलदीप शर्मा पूर्व में स्पीकर रह चुके हैं और हुड्डा के खासम खास में गिनती होती है। उनके विकल्प के तौर पर संजय खत्री का भी नाम शामिल है। आपको भी ये बता दें कि काफ़ी सीटों पर जातीय समीकरण संतुलन नहीं बन पा रहा है। काफ़ी सीटों पर अब की बार बड़े बड़े नेताओं की टिकट काटकर नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा। जातीय समीकरण हो अन्य समीकरण हो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। युवा कोटे से महिला कोटे से और उसके साथ साथ जातिगत कोटे का भी विशेष तौर पर कांग्रेस अब की बार ध्यान रख रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों के मामले में सतर्कता बरत रही है और आपको 10 से 11 वीआईपी सीटें आपके सामने हमने बताई कि 11 वीआईपी सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है और पैनल में किन किन का नाम है, जो सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास अपडेट आया है जो का तो हमने प्रस्तुत किया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, किस विधानसभा सीट से कांग्रेस को किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।